हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन मॉम रिव्यू में। तो आज मैं आपके लिए एक बेबी प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आई हूँ, जो कि नेस्ले सेरेलेक का मल्टीग्रेन दाल वेज का रिव्यू है। ये 12 मंथ टू 24 मंथ्स के बेबी के लिए है, यानी कि 1 साल से 2 साल के बच्चों के लिए है। तो ये जो फ्लेवर है ये है मल्टीग्रेन दाल वेज है। मल्टीग्रेन यानी कि इसमें एक से ज्यादा अनाज है और साथ ही साथ इसमें दाल वेज है, यानी कि इसमें मल्टीग्रेन के साथ साथ दाल भी है और इसमें वेजिटेबल्स भी है। तो मैं आपको बता देती हूँ मल्टीग्रेन में क्या क्या है। मल्टीग्रेन में इसमें है गेहूं, राइस, मूंग की दाल और कॉर्न। तो ये इसमें 4 तरह के अनाज है और इसमें वेजिटेबल्स में है पालक और टमाटर। तो इन सब से ये मल्टीग्रेन और दाल वेज का फ्लेवर बना है। तो फ्रेंड्स, ये तो इसका एक फ्लेवर हुआ। तो मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ कि यहाँ पे इसके अलग अलग फ्लेवर से अलग अलग एज के बेबीज के लिए 6 मंथ में यहाँ पे अलग फ्लेवर से 8 मंथ के लिए, 10 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए है और 18 मंथ्स के लिए है। ये जो 12 और 18 मंथ का है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो, ये जो दो फ्लेवर है जो कि मल्टीग्रेन एंड फ्रूट्स है और मल्टीग्रेन दाल वेज है, ये आप 12 महीने से ही शुरू कर सकते हैं, 12 महीने से लेकर 24 महीने के लिए है। पर ये जो यहाँ पे 18 मंथ वाला जो दो फ्लेवर है जो कि 5 ग्रेन एंड फ्रूट्स और 5 ग्रेन और वेजिटेबल्स है, ये जो दो फ्लेवर है ये अपने बेबी को आप 18 महीने के बाद ही दे सकती है। तो यहाँ पे इस तरह से एज वाइज यहाँ पे बताया गया है। तो आज मैं आपको मल्टीग्रेन और दाल वेज जो कि 12 महीने से 24 महीने तक के बच्चे इसे खा सकते हैं, तो उसका रिव्यू दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका आपको नेट वेट बता देती हूँ। वो ये 300 ग्राम का है, यानी कि 300 ग्राम का है और इसकी जो प्राइस है वो है 275 रुपीस की। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट मेंशन कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं रिव्यू। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सूचना दी गई है जो कि बताया गया है कि माँ का दूध आपके बच्चे के लिए सर्वोत्तम है। आप कोई भी सेरेलेक का प्रोडक्ट देख लेंगे, वहाँ पे ये सबसे पहले मेंशन कर दिया जाता है कि माँ का दूध आपके बच्चे के लिए सर्वोत्तम है। यानी कि आप बच्चे को कुछ भी खिला ले, सेरेलेक खिला ले, घर का सेरेलेक खिला ले, घर का भोजन खिला ले, पर माँ का जो दूध है वो बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि मदर मिल्क जो है वो बेस्ट होता है बेबीज के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि आपको नॉर्मल जो फूड होते हैं, डेली लाइफ फूड होते हैं, उसमें नहीं मिल सकते हैं। क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि आपके बच्चे की मेंटली फिजिकली डेवलपमेंट के लिए हर तरीके से बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा सर्वोत्तम होता है। उससे आपके बच्चे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं, उनकी जो इम्यूनिटी पावर होती है यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ती है मदर मिल्क से। तो फ्रेंड्स, ये जो मल्टीग्रेन दाल वेज है इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। अगर आप इसे बेबी को 2 बार देती हैं तो आपका आपकी बेबी को 70% जो डेली नीड्स होता है आयरन का, उसकी पूर्ति हो जाती है। और साथ ही साथ इसमें 18 तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिसमें विटामिंस और मिनरल्स भी इंक्लूडेड है। साथ ही साथ यहाँ पर 100 ग्राम में क्या क्या न्यूट्रिशन हमें मिलेगा वो इसमें बताया गया है। यहाँ पे क्या क्या अलग अलग तरीके के फैट्स है वो बताए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मिनरल्स कितने कितने क्वांटिटीज में है वो बताए गए हैं। आयरन जो है कितनी मात्रा में वो बताई गई है। साथ ही साथ इसमें जो अलग अलग तरह के विटामिंस डाले गए हैं वो भी इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि कितने कितने क्वांटिटी में ये है। तो फ्रेंड्स, ऑल इन ऑल इसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है कि कितने कितने क्वांटिटीज में क्या क्या चीजें हैं। तो बेसिकली इसमें जो इसकी जो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही अच्छे से भी डिटेल में बताई गई है, वो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें यहाँ पे ये बताया गया अपने बच्चों को किस तरह से इसे सेरेलेक को बनाकर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली आप जब इस फ्लेवर को इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने बेबी के लिए तो आप इसे एक स्कूप से शुरू कर सकते हैं। इसके अंदर एक स्कूप भी दिया गया है, स्पून की तरह होता है वो, तो आप इसे एक स्कूप से शुरू कर सकते हैं। आप इसे 5 से 6 टीस्पून उबले हुए हल्के गर्म पानी के साथ इसे मिक्स करके दे सकते हैं और फिर धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं और आप इसे मैक्सिमम 5 स्कूप लेवल तक इसे दे सकते हैं, जो कि 120 ml वाटर के साथ दे सकते हैं। और आप इसे दिन में 2 बार दे सकते हैं। इसमें बताया गया कि 5 स्कूप जो होता है वो 42 ग्राम्स के अप्रॉक्स होता है और यहाँ पे ये भी बताया गया कि 1 स्कूप जो होता है वो 8.3 ग्राम्स के लगभग होता है। तो इसे बनाने का तरीका भी यहाँ बताया गया, वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। तो जब भी आप बेबी का फूड तैयार कर रहे हो तो सबसे पहले आपको हाथ को अपने अच्छे से धोना है, जिस बर्तन में आप बना रहे हैं बच्चे का सेरेलेक उस बर्तन को भी अच्छे से क्लीन कर लेना है, उस बोल को। उसके बाद आपको पीने के पानी को अच्छे से बॉइल कर लेना है। जब वो बॉइल हो जाए तो उसके बाद आप उस पानी को हल्का ठंडा कर ले, यानी कि वो जब हल्का गर्म रह जाए तब आप उसका इस्तेमाल करें बच्चे का सेरेलेक बनाने के लिए। पहले 120 ml वाटर को अच्छे से बॉईल कर ले, उसके बाद आप उस पानी को हल्का ठंडा कर ले, हल्का ल्यूक वार्म कर ले। उसके बाद आप उसे बोल में डाले और उसमें
5 स्कूप सरलैक मिला ले। चूंकि इसमें 5 लेवल स्कूप के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे मैं उसी हिसाब से आपको 120 ml वाटर के बारे में बता रही हूँ। बेसिकली आप 1 स्कूप से भी शुरू कर सकते हैं, तो आपके आपको पानी की क्वांटिटी वहाँ पे कम लेनी होगी। उसके बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर ले, आप उसे 45 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर ले। उसके बाद आप अपने बेबी को उसे फीड करा सकते हैं। आप एक बार हल्का चेक कर सकते हैं कि घी जो सरलैक है वो ज्यादा गर्म ना हो। इस तरह से आप बेबी का सरलैक को तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ वार्निंग्स और इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उन्हें भी हमें फॉलो करना होगा। तो इसमें ये क्लियर बताया गया है कि आप अपने बच्चे को सरलैक आफ्टर 6 मंथ ही इंट्रोड्यूस करें और 2 साल तक ही इस्तेमाल करें। मतलब आप 2 साल तक ही अपने बच्चे के लिए सरलैक को इस्तेमाल करें, उसके बाद आप घर के खाने में ही पूरा उन्हें डाइवर्ट कर सकती हैं। आप सरलैक के साथ साथ धीरे धीरे घर का खाना भी देना शुरू कर सकती हैं। उससे क्या होगा कि बच्चे जो हैं सिर्फ सरलैक पे डिपेंड ना रहे। और इसमें यह बताया गया है कि आप जिस भी बर्तन में आप बच्चे का सरलैक तैयार करें वो बिल्कुल अच्छे से क्लीन होना चाहिए। और आप 5 स्कूप से ज्यादा सरलैक इस्तेमाल ना करें अपने बेबी के लिए एक टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे की थिंकिंग होती है कि अगर हम 5 स्कूप से ज्यादा देंगे तो उन्हें ज्यादा आयरन मिलेगा या कि ज्यादा न्यूट्रिशन उन्हें मिलेगा। तो ऐसा ना करें, आप 5 स्कूप से ज्यादा ना दें। हाँ, आप धीरे धीरे करके बढ़ा सकती हैं, जैसे कि शुरुआत में 1 स्कूप दे रही है, फिर कुछ दिन बाद आप 2 स्कूप तक दे सकती हैं। इस तरह से आप 5 स्कूप तक, मैक्सिमम 5 स्कूप तक जा सकती हैं। और इसमें यह भी बताया गया कि आप पूरी तरह से इस सरलैक पे डिपेंड ना रहें। आप इसे जब भी बनाएं आप उसे 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर बच्चे को खिला दें, ज्यादा देर तक ना रखें बनाकर। आप इस पैक को जब खोले तो इसे 15 से 16 दिन के अंदर अंदर इसे खत्म कर ले, ये इसमें डायरेक्शन दिया गया है। ये जो प्रोडक्ट है ये ट्रैवल के लिए बहुत ही बेस्ट है। आप जब भी कहीं बाहर जा रहे हो या फिर घूमने जा रहे हो या फिर मॉल जा रहे हो, आप इस तरह से सरलैक को ले जा सकते हैं। हल्के गर्म पानी को आप ले सकते हैं किसी थर्मोस्टील में और आप इसे आराम से बेबी को बाहर में फीड करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू इस नेस्ले सरलैक मल्टीग्रेन दाल वेज पर। तो अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो आप लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं। इस प्रोडक्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहे तो उस लिंक को क्लिक करके इसे परचेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।